press the bell icon on the YouTube app and never. अभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे। तो आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत की सशक्त और बहादुर बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंबर जैदी जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी, जो कि डिस्कस करेंगी लव जिहाद का एक असली मामला। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पाकिस्तान में वहाबी अहमदी शिया के इमामबाड़े को और मस्जिदों को बम से उड़ा दिया जाता है, क्योंकि सुन्नी मुसलमानों का कहना होता है कि ये लोग मुसलमान हैं ही नहीं। तो ये इन्होंने टारगेट बना करके रखा है कि सुन्नी मुसलमान की बेटियों को छोड़ करके, अलग कर करके, बाकी जितने भी सनातन से लेकर के, क्रिश्चियन से लेकर के और शिया से लेकर के, ये सारी बच्चियों को हमें बेचना भी है, खरीदना भी है, धर्म परिवर्तन भी करवाना है, इनको बर्बाद भी करना है, इनसे बच्चा भी पैदा करवाना है और उस बच्चे को फिर मुसलमान भी करवाना है। हम, मैं और अंबर हमेशा गाहे बगाहे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे बात करते हैं और इस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे हम जब भी बात करते हैं तो जिस सनातनियों के घर में 5 बच्चे पैदा होते हैं वो भी इस बिल का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान ही सिर्फ इस बिल का विरोध करते हैं। जिस क्रिश्चियन के घर में 5 बच्चे पैदा होते हैं वो भी इस बिल का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान इस बिल का विरोध करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकुरिता को लेकर के हम लोग ये एक बहुत बड़ा जो स्कैम चल रहा है वो स्कैम को बस्ट करने का वक्त आ चुका है और हमारे केंद्र की सरकार के सामने अंकुरिता जैसी लड़कियों को खड़ा करके ये बताने का वक्त आ चुका है कि इनके साथ कितना बड़ा छल हुआ है, कितनी बड़ी साजिश हुई है कि आज बेचारी ये बच्ची अपने मान सम्मान को, अपनी इज्जत आबरू को, अपने परिवार को, सबको खो चुकी है और आज एक अजीब दिशा में आ चुकी है कि बस हमें लड़ना है और मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने और आपने अंबर जब कल वो येट बॉर्न तो नहीं कहेंगे, वो जब अबॉर्शन का बच्चा जब हमने देखा था, आपको अनुकृता हम बता दें कि हम बात नहीं कर पा रहे थे उस वीडियो को देखने के बाद। मैं तो एक माँ हूं, मैंने तो बच्चा जना है, वो बायो की स्टूडेंट रह चुकी है, तो हम दोनों के मतलब जुबान लड़खड़ा रही है। अभी फिर मेरा स्टार्ट हो गया, हमारी आंखें भर गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, हम बात नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, ये तो वो वीडियो चलाना नहीं चाह रही थी। नाजिया थोड़ा आप ठहर जाइए, अंकुरिता थोड़ा सा भावुक हो गया और हम समझ सकते हैं क्योंकि हम, हमारे साथ वैसा नहीं हुआ है, तब भी मैं भावुक हो रही हूँ, लेकिन आपने तो इस चीज से आप गुजरी है और आपने सब कुछ झेला है और आप बिल्कुल भी आप अपना हिम्मत मत तोड़िएगा, क्योंकि मैं और नाजिया हमेशा जहां तक भी पॉसिबल है, मुमकिन है, आपके साथ हैं हमेशा और जो भी मदद बन पड़ेगी हम आप